हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और आपको पता ही है कि इस महीने में श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, जिनमें हम अपने पितरों के लिए खाना वगैरह निकालते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बस आज श्राद्ध था इनके दादाजी का, तो उसी के लिए मुझे तैयारी करनी थी। सो जल्दी से सुबह उठ के मैंने पहले झाड़ू लगा लिए और साथ ही मैंने मशीन चला दी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन तो मैं मशीन लगा ही देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद ये कपड़े घूम गए थे, तो मैंने इन्हें कपड़ों को भी निकाल दिया मशीन में से। हालांकि कई सारे कपड़े थे, तो पहले तो मैंने 2-3 बार के निकाल चुकी थी, अभी 2 बारी के कपड़े और थे। और इसके बाद कल हमने श्राद्ध किया था दादी जी का, उसमें मैंने आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और खीर बनाई थी। और आज भी श्राद्ध है, तो आज मैंने छोले, पूरी और खीर बनाई है। ऐसे ही पक्का खाना ही बनता है श्राद्ध में, आपको तो पता ही है। और श्राद्ध में कितना वर्जित होता है कुछ नया खरीदना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्जित होती हैं। तो बस, तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए थे मशीन में से, और इधर मैंने रख दिया था, एक पे कुकर में रख दिया था छोले उबलने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने खीर के चावल रख दिए थे जिससे जल्दी गल जाए। यहाँ आटा मल के रख दिया था मैंने पूरियों का। सो इसके मंदी आँच पे गल रहे थे ये, तो देखिए उसके बाद ही गल चुके हैं चावल। मैंने इसमें दूध डाल के और इलायची मैंने पहले ही ऐड कर दी थी खुशबू के लिए। तो बस उसके बाद मेरे पास किशमिश रखी थी, तो वह मैंने किशमिश में ऐड कर दिए, और साथ में एक कटोरी चीनी डाल दिए। और बस अब इसे मंदी आँच पे ढक के पका लेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। तो यहाँ इतने मेरे छोले जो हैं वो उबल के तैयार हो चुके थे, उन्हें छौंकने के लिए भी मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और उसमें अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि अभी हम पेस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ साबुत मिर्च, काली मिर्च और जीरा डाल दिया था, और उसमें बड़े बड़े स्लाइस में काटी हुई प्याज और एक साबुत इलायची काली वाली वो डाल दी थी। और बस अभी हम इसे हल्का सा ब्राउनिश करना था। थोड़ा भूनने के बाद उसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी डाल ली है टमाटर में। हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये भुनने के बाद मैं इन्हें एक साथ ही पीस लूँगी, इससे इनका टेस्ट अच्छा आता है और सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ ये गल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा। तो यहाँ ये ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, तो मैंने एक मिक्सी के जार में ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। और जो देख रहे हैं आप, तली में बच गया है मसाला, तो उसे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसमें इसी जार में डाल दिया है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से जो मसाला कढ़ाई में चिपका हुआ था वो इसी तरह से निकाल के सारा मैंने डाल दिया है, और इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, और अब मुझे करनी है छोले छोंकने की तैयारी। तो चलिए गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में पानी था, थोड़ा गर्म करने के बाद उसमें डाल दिया है तेल। उसके बाद डालेंगे जीरा, एक तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च, तो इनसे तड़के का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। और बस इस तरह ऐड कर देंगे, हमने जो मसाला ग्राइंड किया था उसे ऐड कर देंगे, और साथ ही उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको चिली ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप अपनी रेड चिली पाउडर वैसे भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसे अच्छी तरह से मंदी आँच पर पकने देंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है पेस्ट। और यहाँ देखिए पक चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिए छोले, और अभी छोले काफ़ी थिक ग्रेवी लग रही है मुझे, तो मैं इसमें अभी और पानी ऐड करूँगी। देखिए पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे उबाल आने के लिए तेज आंच पे रख दिया है, जैसे ही उबाल आ जाएगा मैं गैस कम कर दूँगी। तो यहाँ छोले उबल रहे थे, इतने मैंने 8 पूरी निकाल ली हैं जो पितरों के लिए निकालते हैं पूजने के लिए सबसे पहले। तो 8 पूरी मैंने तैयार की हैं, और ये गाय खाएगी, तो गाय को खिलाई जाती हैं पूरियाँ। तो इसी तरह से मैंने इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना, बस दोनों साइड से थोड़ा सा पका के इसी तरह से मैंने सारी 8 पूरियाँ निकाल ली हैं। बस इन पे तलने के बाद इन पे जो हमने खाना बनाया, जैसे सब्जी हो गई, मीठे में खीर वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें रख के
फिर इन्हें हमें गाय को खिलाना होता है उनके नाम से। तो यहाँ देखिए छोले बनके तैयार है। मैंने इसे दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था और यहाँ मैंने सारी पूरियाँ बना ली हैं और यहाँ खीर भी बनके तैयार है। देखिए पूरियों पे मैंने खीर और छोले रख दिए हैं और बस अब इनको मैंने तैयार कर लिया है कि ये आएंगे तो ये सेवल कर देंगे। तो देखिए यहाँ नहा के तैयार हो चुके थे, इन्होंने एक लुटिया में पानी ले लिया है और उसी से ये थोड़ा सा सेवल टाइप कर रहे हैं। तो पहले मैंने पूजा पहले ही कर चुकी थी, बस इनसे सेवल करवाया है मैंने। उसके बाद ये ऊपर जल देने जा रहे हैं सूर्य देवता को। तो देखिए इन्हें भेजने के बाद मैंने पूरी भी इनके साथ ही भेज दी थी कि गाय वहाँ आएंगी तो खिला देंगे, और इनका भी खाना दे दिया था, पापा जी का भी दे दिया था लगा के। तो यहाँ उनके जाने के बाद मैं अपने बेडरूम की सफाई में लग गई थी। तो आपको पता ही है कि मच्छर कितने ज़्यादा हो जाते हैं, तो मच्छरदानी लगाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो बस मच्छरदानी की मैं तय बना रही थी, अब बाकी वही काम करूँगी अपने साफ़ सफाई के और बेडरूम साफ करने के। तो मच्छरदानी की तय बना के मैंने अंदर रख दिया है और मुझे चादर चेंज करनी थी। वैसे मैं हर हफ्ते चादर चेंज कर देती हूँ, तीनों बेड की, नीचे की, यहाँ की और एक बाहर तख्त है उसकी भी चादर चेंज कर देती हूँ। तो आज मैंने अपने बेड की चेंज कर ली थी और नीचे की भी करी थी। तो हालांकि हर संडे मैं चादर बदल देती हूँ। तो यहाँ मैंने चादर बिछा दी है दूसरी, और अभी मेरे कपड़े जो थे वो लगभग सारे घूम चुके थे मशीन में, बस मुझे उन्हें पानी में निकाल के धोना था। जल्दी काम हो गया था, हालांकि सुबह मैं 6:30 बजे तक उठी गई थी, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो गया था। उनके इनके जाने के बाद तो मैं आराम से काम करती रहती हूँ, कोई इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहती है मुझे। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। और अभी तो पितरों का श्राद्ध जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, कम से कम 6 तारीख तक श्राद्ध हैं और 6 तारीख में मतलब लास्ट वाले दिन अमावस के दिन जो भूले बिसरे हमारे पितर होते हैं जिनका हमें याद नहीं रहती तिथि, उनका हम श्राद्ध कर देते हैं। तो इसी तरह से अब आखिरी वाला श्राद्ध के दिन भी मैं कुछ ऐसा ही पकवान वगैरह बना दूँगी और उनके नाम का श्राद्ध का खाना जो होता है वो गाय को या फिर कुत्तों को कौवों को खिला दें, लेकिन यहाँ गाय बहुत आती है तो हम गाय को खिला देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।